Welcome to Bonds News, your global window into current affairs. Asaduddin Owaisi, the Amin chief, has called on Prime Minister Narendra Modi to prioritize the repatriation of Indian workers following the Ministry of External Affairs travel advisory for Iran and Israel. Owaisi highlighted an agreement between India and Israel that allowed 6,000 Indian workers to migrate to Israel and urged the government to ensure their safe return in light of the advisory. बिल्कुल लेके मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है वहां पर जाने वालों को लेके, इसके खिलाफ क्या कहना है? इसराइल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मिनट जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इसराइल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, नरेंद्र मोदी ने और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये वहां पर यहां से इंडिया से वो लोग एम्प्लॉयज को लेके जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है तो वो इजरायली गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे मंजूरी लेकर आप भारत से 6,000 इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी इजरायल जा चुके हैं और आप एडवाइजरी देते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिए। आप 6,000 भारत के नागरिकों को मौत के मुंह में भेजकर आप एडवाइजरी दे रहे हैं, ये किस तरह की इंसानियत है नरेंद्र मोदी सरकार की? आप फौरन नरेंद्र मोदी उन 6,000 भारत के सिटीजन्स को वापस बुलाइए। इसराइल की हुकूमत फलस्तीनियों के खिलाफ एक जेनोसाइड कर रही है, 30,000 लोग मारे गए। दुनिया में किसी भी वॉर में इतने बच्चे नहीं मारे गए, जो मासूम 12,000-15,000 बच्चे मर गए वहां पर, और इसराइल जुल्म कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको जेनोसाइड कर रहा है, यूएन की रिपोर्ट है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप की गवर्नमेंट, इसराइल की गवर्नमेंट से मिलकर 6,000 भारतीय नागरिकों को आपने भिजाया, क्यों भिजाया? फौरन उनको बुलाइए वापस आप, और किसी को मत भिजाइए वहां। उनको आप मौत के कुएं में भेज रहे हैं, उनको आप, उनकी जान को खतरा है, तो ये कैसे सरकार खुद फैसिलिटेट करके भिजा रही है और एडवाइजरी दे रही है? Stay tuned for the latest updates. Like, subscribe, and hit the notification bell to never miss a breaking update. Thank you for choosing BGN channel as your source for up-to-the-minute news.